इसके लिए हमने लिया है 2.7 लीटर के आसपास करीबन पानी लिया है और इसमें हमने 500 ग्राम गुड़ मिक्स किया है। पहले गुड़ को हमें अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिक्स करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमें गेहूं चाहिए। हमें इसे पानी में छान लिया है, धो लिया है अच्छे से और इसे थोड़ा सा हमें गोल्डन ब्राउन करना है। 5 से 6 मिनट आप इसे चलाते रहें, ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो रहा है, आप देख सकते हो ये हो चुका है। इसे हम मिक्सी में ले लेंगे। मिक्सी को आप 7 सेकंड तक चलाइए, 7 सेकंड के अंदर जैसा होता है वैसा ही पीस के इसको ले लेना है। मैंने यहाँ पे 3 लीटर का कोको कोला का बॉटल वो मैंने यूज किया है। अभी जो मैंने इसमें गेहूं लिया था वो पूरा डाल दिया। गेहूं के साथ जो मैंने वो सिरप बनाया था गुड़ और पानी का, वो इसके अंदर डाल लेंगे। ये तकरीबन 2.7 लीटर के आसपास पानी, ये 3 लीटर का पूरा कोला का बॉटल है तो हमने इसमें 2.7 लीटर तक पानी लिया था। और ये जो गेहूं है ये मैंने 150 ग्राम के आसपास लिया था। अभी इसके लिए मैंने एयरलॉक नहीं बनाया, काफी सिंपल तरीका यूज किया है। ये ढक्कन में छोटा सा होल करना है बस। इसे एक बार पूरी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद एक बार ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। ग्रेविटी चेक करना जरूरी है। जो वाइन है, वोडका है, जो भी हम बना रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल बन के रेडी होगा फर्मेंटेशन के बाद, ये हमें ग्रेविटी से ही पता चल। ये आ रहा है 1050 सेंटर में है, 65 के आसपास आ रहा है। तो इसमें हमें कम से कम 14% का अल्कोहल आराम से मिल जाएगा। ये जो नॉर्मल ब्रेड बनाने वाला है, तो मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच के आसपास चीनी डाला था, शुगर, और 2 चम्मच ईस्ट डाल के 10 मिनट के आसपास छोड़ देते। एक्टिवेट होने के लिए उसको 10 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद हमें सीधे जो हमारा मिक्सर है उसके अंदर पोर कर देना है इसे। अभी कैप में हमारा छोटा सा होल किया, एयर बाहर ना है उसके लिए नॉर्मल सा बलून यूज करना है। ये काफी सिंपल सा एयरलॉक है। जैसे उसमें फर्मेंटेशन होगा, गैस बनेगी तो वो गैस बलून के अंदर आएगी और इसे हमें 10 से 15, 15 से 20 दिन के लिए इसे छोड़ देना है ऐसे ही। जो हमने रखा था फर्मेंटेशन के लिए पूरा हो चुका है। डिस्टिल करेंगे, पहले फिल्टर कर लेना है जो भी हमारा लिक्विड था। इसके लिए मैंने रुमाली ले लिया है, 3 से 4 बार फोल्ड करना है। ये हो चुका है फिल्टर, इसे फिर से बॉटल में डालना है और 1 दिन के लिए रख देना है। इसमें जो भी अभी ईस्ट थोड़ा बहुत छनके आया होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। मैंने बोला था कि 14% अल्कोहल बनेगा, तो चेक कर लेते हैं अल्कोहल मीटर से, पर देख लेते हैं इसमें कितना अल्कोहल परसेंटेज बन के रेडी हुआ है। 14। अभी डिस्टिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ये कॉपर की पाइप, प्रेशर कुकर लेना है डिस्टिलेशन करने के लिए। उसमें सारा का सारा ये लिक्विड स्लो डालना ताकि वो ईस्ट जो है बॉटम में वो भी ना आ जाए इसके साथ। ये देख, 4 बार कपड़ा फोल्ड करने के बाद भी ना ईस्ट नीचे बैठ गया है। दूसरी चीज है वेसल निकाल देना है, फ्लेम को रखना एकदम लो। तो ये है हमारा पूरा सेटअप। जो बकेट थी उसमें पानी भर दो, ठंडा पानी है तो और भी अच्छा है। इसका टेम्परेचर अभी है 113 फ़ारेनहाइट, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम 140 से 160 फ़ारेनहाइट होता है। अंदर तो चेक कर नहीं सकते, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आपका जो कॉपर पाइप है बाल्टी से लेके प्रेशर कुकर तक इसके बीच में ही थर्मोमीटर को लटका दो। तो छोटे छोटे बबल्स जैसे आ रहे हैं अंदर से, ये अभी गर्म होना स्टार्ट हो गया। 125 से 130 के बीच में आपको मेंटेन करके रखना है टेम्परेचर। तो ये जो अभी आ रहा है फर्स्ट, ये है आपका मेथनॉल, यह पूरा टॉक्सिक से भरा हुआ इम्प्योरिटी के साथ। ये हमें यूज नहीं करना है, पीना नहीं है बिल्कुल भी, इसे फेंक देना है। ये कितना निकलता है इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपका 1 लीटर का लिक्विड है तो उसमें से 5 ml टॉक्सिक निकलेगा, तो हमें सेफर साइड 10 से 12 ml फेंक देना है। तो यहाँ पे मैं कम से कम 30 से 40 ml इसे फेंक दूंगा, वो हमें यूज नहीं करना है, पीना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने ये जो कोई भी सिरप आता है ऊपर का जो कैप होता है ये मैंने ले लिया मेजर करने के लिए। यहाँ पे 10 ml 10 10 करके ऐसे में 40 ml फेंक दूंगा। जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है वो रखना है 126 फ़ारेनहाइट से लेके 130 लास्ट। अगर इससे ज्यादा होता है तो हमें फ्लेम को लो करना है। इससे ज्यादा होगा तो जो पानी में इम्प्योरिटीज है वो भी साथ साथ में आ जाती है। तो 130 फ़ारेनहाइट पाइप का, अगर अंदर का टेम्परेचर तो 170 से 200 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये देख सकते हो लिक्विड। आप बोलोगे की मेरे पास थर्मोमीटर है नहीं। दूसरा मेथड ये है, जो ये ड्रॉप आ रहा है वो 1 मिनट में 9 से 12 ml ही आना चाहिए। इससे कम आएगा तो बहुत ही स्लो है, मतलब काम का ही नहीं है। इससे ज्यादा हो गया तो इम्प्योरिटीज आएंगे। 1 मिनट में 9 ml से लेके 10 से 12 ml इतना ही 1 मिनट के अंदर निकलना चाहिए। ये पानी का ध्यान रखना है, बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता है। गर्म होगा तो आप चेंज कर सकते हो, या आइस है तो आइस भी इसमें डाल सकते हो। फ्लेम को लो ही रखो, 128 129 इतना ही रखना है। ये बढ़ेगा फ्लेम को लो कर देना है। यहाँ पे अभी मैंने पाइप लगा दिया, ये बॉटल में यहाँ पे गिर रहा है। इसे बीच बीच में जला के टेस्ट करते रहो। ये ब्लू फ्लेम है लेकिन फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा येलो ही आ रहा है, यानी इसमें इम्प्योरिटीज बहुत है।
180 ml अभी तक निकल चुका है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, बीच बीच में भी ये जला के टेस्ट करते रहो, क्योंकि एक टाइम आएगा कि ये जलना बंद हो जाएगा और आपका अभी अल्कोहल निकलना बंद हो जाएगा, तो हमें फेंक देना जो भी लिक्विड है। अगर डिग्री में बात करें तो 54 से लेके 57 के आसपास में डिग्री टेम्परेचर रखना है। 5 कट बॉटल में स्विच करते हैं। अभी फर्स्ट डिस्टिलेशन कम्प्लीट में अल्कोहल परसेंटेज एक बार देख लेते हैं। स्टोर पे आते हैं, दुकान पे आते हैं, 42% होता है। बिल्कुल भी हीरो बनने की कोशिश मत करना, अल्कोहल परसेंटेज बहुत ज्यादा है, नीड टू ट्राई भी मत करना। ये जो हमारा जो लिक्विड था ये कम्प्लीट फेक, मतलब लिक्विड उतना ही रहता है, थोड़ा सा कम हो गया। अभी हम सेकंड डिस्टिलेशन स्टार्ट करें। फर्स्ट डिस्टिलेशन करके कभी भी नहीं पीना, उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है। सेकंड डिस्टिलेशन के लिए हमने जितना अल्कोहल बनाया था वो सारे के सारे डाल देना है फिर से प्रेशर कुकर में, और उतना ही पानी डालना है 1:1। पानी और अल्कोहल को मिक्स कर दो और फिर से गैस के ऊपर रख देना। जो फर्स्ट डिस्टिलेशन होता है उसमें इम्प्योरिटीज होती है, सेकंड डिस्टिलेशन तक हम पी सकते। जो ब्रांडिंग कंपनियां होती है वो 4-5 बार डिस्टिल करती है। जो इम्प्योरिटीज होता है पानी में उसे तो कम से कम क्लियर कर लो। अब देखो ये फ्लेम, सेकेंड डिस्टिल की फ्लेम, फ्लेम पीछे की तरह लो, 124-125 फ़ारेनहाइट। पानी का ध्यान ठंडा रखना चाहिए। मैंने पहला बॉटल जो निकाला है 50 ml के आसपास, इसे फिर से फेंकना है। जितनी बार आप डिस्टिल करोगे स्टार्टिंग का जो 40-50 ml निकलेगा पूरे लिक्विड के हिसाब से उसे फेंकना ही फेंकना। तो हम एक बार फिर से अल्कोहल परसेंटेज चेक कर लेंगे, 55 सेम आया है।